तो स्वागत है आपका क्रिकबाजी की एक और फ्रेश और जबरदस्त वीडियो में। और जबरदस्त से याद आया कि कल का मैच क्या जबरदस्त हुआ था, और वैसे ही उम्मीद है कि आज का मैच भी और ही ज्यादा जबरदस्त होगा। मतलब इस बात में कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दो शक नहीं है कि कल का जो मैच था वो वन ऑफ द बेस्ट मैच था इस IPL का। क्योंकि भाई कसम से बता रहा हूं, मुझे ऐसे मैच में ज्यादा मजा नहीं आता है जहां एक टीम ने 200 मारे और दूसरी टीम 200 चेस कर जाती है। मुझे उस मैच में ज्यादा मजा आता है जिसमें कोई टीम 140 मारे और वो भी बहुत क्लोज जाए। क्योंकि जहां 200 वाले मैच में बैट्समैनों का हुआ देखने को मिलता है, बट ऐसे मैचेस में बैट्समैन और बॉलर दोनों का बराबर हुआ देखने को मिलता है। और कसम से मैं बता रहा हूं, जब तक मैच एंड नहीं हुआ था ना, मेरे को 1% भी विश्वास नहीं था कि भाई आरसीबी ये मैच जीतेगी या नहीं जीतेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आरसीबी अगर जीत भी रही होती है तो खुद को हराने के खुद ही रास्ते बना लेती है, और ऐसा पास्ट में एक या दो बार नहीं हुआ है, कई बार हो रखा है कि अच्छा खासा मैच होता है, सबको यकीन होता है कि ये मैच आरसीबी जीतेगी, बट आरसीबी कुछ अजीब सी अनहोनी करती है और वो मैच हार जाती है। लेकिन कल ऐसा नहीं हुआ। हां, ये सही बात है कि होने ही वाला था बट नहीं हुआ। बट जैसे ही शुरू में डुप्लेसिस और विराट कोहली का विकेट गिरा ना, मेरे को लगा भाई आरसीबी तो गयो। पर आखिरी में जैसे तैसे दिनेश कार्तिक ने और हर्षद पटेल ने आरसीबी को विनिंग लाइन के पार पहुंचा दिया। हाँ, वो सही बात है कि उसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान था वो शाहबाज का था और साथ ही साथ रदरफोर्ड का भी था। माना कि रदरफोर्ड ने थोड़ी सी पारी धीमी खेली, बट यार वहां पे जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन था ना वो बहुत ज्यादा जरूरी था जिस तरीके से विकेट गिरे जा रहे थे। पर कल KKR की पारी को देख के ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने CSK के साथ किया था कल वो उनके साथ हो रहा था। कसम से बिल्कुल फ्लैशबैक चल रहा था मेरे माइंड में। सबसे कमाल की बात यह थी कि KKR के जब लगातार विकेट गिर रहे थे उसके बावजूद भी जो भी प्लेयर आ रहा था आते ही हिटिंग करने लग जा रहा था। मतलब इन्होंने जो तारक मेहता के थीम सॉन्ग में स्टार्टिंग में जो कहते हैं ना खेलो बच्चों, ये इन्होंने कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। क्योंकि जो भी आ रहा था लग रहा था उसे यही कह के भेजा गया कि खेलो बच्चों, तो वो जा रहे थे, खेल रहे थे और आ जा रहे थे। मतलब जब दिख रहा है कि भाई विकेट ज्यादा गिर रहे हैं, ओवर बहुत ज्यादा बाकी है, तो थोड़ा हौले हौले खेलो, पारी बिल्ड करो। नहीं भाई, चौका मारना है पहली बॉल पे, तीसरी पे छक्का मारना है, पता नहीं कौन सी मन्नत मांगी थी। वो तो कहो आखिरी में यादव जी के लड़के उमेश यादव ने थोड़ा सा संभाल लिया ना, हो गया था काम। और उमेश यादव ने सिर्फ बैटिंग में ही नहीं संभाला बल्कि बॉलिंग में भी उनका जो काम था वो एक नंबर रहा। बाकी किसी को पता हो या ना पता हो, उमेश यादव ऑक्शन में असल में एकदम लास्ट में पिक किए गए थे। जब ऑक्शन के लास्ट में अनसोल्ड लोगों का ऑक्शन होता है ना, उसमें उमेश यादव को पिक करा गया था। मतलब कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए आखिरी के 15 के जो 20 मिनट थे उस ऑक्शन के, उसमें उमेश यादव पे बोली लगी थी। और इस समय जितना खुश KKR है ना उनको बाय करके, उतना ज्यादा ही बाकी टीमें मातम बना रही होंगी कि भाई हमने किसे छोड़ दिया। क्योंकि बंदा भाई क्या लाइन पकड़ रहा है, क्या लेंथ पकड़ रहा है, क्या स्पीड पकड़ रहा है, उसके बाद बॉल स्विंग भी करा रहा है। कसम से एकदम मजा आ रहा है उमेश यादव की बॉलिंग देख के मेरे को। और एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है ये पिच रिपोर्ट वाले क्या फूक के पिच रिपोर्ट देते हैं। कल के मैच में उन्होंने बोला था कि भाई 200 तो यहाँ बनने ही बनने हैं, और साला 120-130 बनाने में जान बाहर निकल रही थी टीमों की। बट कोई नहीं, जो जीता सो जीता। बट कल का मैच जैसा मैंने कहा देख के मजा बहुत आया। और अब बात करते हैं आज के मैच की, जिसमें जो मैं पिच रिपोर्ट दूंगा देखना एकदम सही होगी, बाकी गलत हो तो भाई बाद में गाली मत देना, मतलब ऐसे ही कह रहा हूं। पर आज के मैच के बारे में बात करने से पहले भैया, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ऐप डाउनलोड नहीं करा है, गेम्स का टीम नहीं बनाई आज के मैच के लिए, तो भाई अभी जाओ जल्दी से टीम बना लो। और बहुत लोग कमेंट में लिखते हैं भैया आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से, तो भाई मैं बता दूं पहले टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड कर लिया करो फोन में, उसके बाद उस लिंक पे क्लिक करना, वो अपने आप आपको डाइवर्ट करेगा टेलीग्राम पे। और अगर नहीं करता है तो वो ऑप्शन देता है भाई क्रोम से खोलना है या टेलीग्राम से खोलना है, तो आप टेलीग्राम का ऑप्शन चूज करना। जैसे ही आप डाइवर्ट हो गए आपको ग्रुप दिख जाएगा क्रिक टाइम विद जोशी नाम से, जिसमें विराट कोहली और धोनी की फोटो लगी होगी, उसको आपको ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं बहुत सारे ऑफर्स और आपके लिए गिव अवेज ला रहा हूं, तो जल्दी से उसे ज्वाइन कर लेना आज जिसने भी नहीं ज्वाइन किया है। बाकी आज की टीम में जो मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन होने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखिए मोइन अली ने जहां रिटर्न कर लिया है तो मैंने वाइस कैप्टन यहां पे बनाया है मोइन अली को। बाकी कैप्टन मुझे थोड़ा शक था कि भाई KL राहुल को बनाऊं या ऋतुराज गायकवाड़ को बनाऊं, बट मैंने सोचा क्यों ना आज फिर से ऋतुराज गायकवाड़ पे दांव लगाया जाए, क्योंकि पहले मैच में वो दोनों ही कुछ ना करके आए हैं। बाकी उम्मीद पूरी है कि KL राहुल इस मैच में शानदार प्रदर्शन करेंगे, बट कोई नहीं, युवा को थोड़ा सा साथ देते हैं और आज लगाते हैं कैप्टन अपने ऋतुराज गायकवाड़ को। तो भैया आप भी जाएं डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जैसा मैंने कहा ऐप डाउनलोड कर अपनी टीम बना ले और छापे पैसा ही पैसा। और हाँ, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप जा से ज्वाइन कर लेना, उसे ना भूलना। खेल में वित्तीय जोखिम के तत्व है और इसकी आदत पड़ सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। तो आज का मैच जो खेला जाने वाला है वो खेला जाना है ब्राबॉर्न स्टेडियम में, जहां पे देखो ये तो रिकॉर्ड है कि जो भी टीम बाद में बैटिंग करती है वो 80% मैच जीतती ही जीतती है। तो यहां पे जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा वो टॉस करेगा, क्योंकि जो भी टॉस जीतेगा वो बाद में बैटिंग मांगेगा, क्योंकि आजकल यही होता है T20 मैच में। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, जैसा मैंने कहा कि आज के मैच में टॉस प्ले करने वाला है। लेकिन आज के दिन चेन्नई बहुत खुश होगी क्योंकि
के दो बहुत बड़े प्लेयर मोइन अली और ड्वेन प्रिटोरियस वापस आ चुके हैं। अब देखना होगा कि इनमें से कौन सा खेलता है आज, क्योंकि जब से मोइन अली आए हैं सीएसके के यूट्यूब पेज से लेकर इंस्टाग्राम पेज से लेकर ट्विटर पेज तक बस मोइन अली की फोटो और वीडियो डाल रहे हैं वो लोग। बाकी मोइन अली के आने के बाद भी जैसा मैंने कहा था सीएसके का बॉलिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है, बट क्या करें जो है उन्हीं को खिलाना है। बाकी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो एक नंबर है, वो तो पिछले मैच में उनके वो प्लेयर नहीं चले जिनसे उम्मीद थी चलने की और वो चल गए जिनसे उम्मीद नहीं थी। मतलब दीपक हुड्डा से उम्मीद थी बट शायद लखनऊ वालों को नहीं लगा होगा कि दीपक हुड्डा शायद 55 रन का कंट्रीब्यूशन देंगे या नहीं देंगे, बट उन्होंने दिया जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा साथ ही साथ अनकैप्ड आयुष बदोनी ने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया, बट आज के मैच में चाहेगी लखनऊ की भाई केएल राहुल साथ दे, क्विंटन डिकॉक साथ दे, इविन लुइस साथ दे और मनीष पांडे साथ दे जो इनके प्राइम प्लेयर्स हैं। बाकी बॉलिंग तो लखनऊ की भी बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं है, वहां पर रवि बिश्नोई और आवेश खानी है जो बहुत बड़े नाम दिखते हैं लखनऊ को। हाँ एक फायदा जरूर हो जाता है कि उनके पास कुणाल पांडे और दीपक हुड्डा जैसे ऑलराउंडर भी है, पर लेकिन जब बात आती है ऑलराउंडर की तो इस चीज में भाई सीएसके पीछे नहीं है, क्योंकि अब तो मोइन अली भी आ गए हैं, रविंद्र जडेजा तो थे ही और ड्वेन ब्रेवो तो है ही। बाकी शिवम दुबे भी ऑलराउंडर ही है बट उनकी बॉलिंग मुझे भाई बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। हाँ बैटिंग भाई कभी कभी एक नंबर कर देता है बंदा, कसम से मजा आ जाता है, पर थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी शिवम दुबे को अगर अपनी छाप छोड़नी है भाई इंटरनेशनल लेवल पे। तो चेन्नई सुपर किंग्स तो यही उम्मीद करेगी कि ये सारे प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जब छाप छोड़ेंगे छोड़ेंगे, बट आज के मैच में पहले छाप छोड़े ताकि वो अपना खाता खोल सके। और सेम चीज लखनऊ भी चाहेगी क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पहला मैच हार चुकी है और आज के मैच में चाहेंगी भाई कैसे भी जीते ही जीते हैं। तो भैया आपको क्या लगता है कि आज के मैच में दोनों ही टीमों में कौन सा वो एक प्लेयर होगा जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, यानी कौन सबसे ज्यादा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होगा और आपकी टीम में कौन बनेगा आज कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये जो भी वीडियो देख रहा है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें, डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से गेमजी का ऐप डाउनलोड कर अपनी टीम बनाना ना भूलें और जैसा मैंने कहा टेलीग्राम ग्रुप जरूर याद से ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।